और आज फिर पहुंच गए गांव पट्टी कलियाणा जिला पानीपत तहसील समालका में साहिल छोकर भाई के पास में। बहुत ही शानदार पशु आज वीडियो में दिखाएंगे। जिक्र पशुओं की फिक्र पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर अजय वंद्रोली की तरफ से सारे भाई ना राम राम भाई। घर आए कादर कर ले जाते ने शीश नवा दे, जो नर चले धर्म की राह ईश्वर उनके बिगड़े काम बना दे, जो करे अपने गुरु की जतु ना अग बढ़न ते पछे कौन हटा दे, जब बोलने का मौका मिले वंद्रोली वाले को अच्छी बात सुना दे। साहिल भाई राम राम। राम राम भाई, भाई वो दर्शकन हो राम राम कर। राम राम। थोड़ा ठाडू बोल। राम राम भाई। और ठीक है साहिल भाई, के करे रे साहिल? कुछ नहीं भाई, बस मस्त हो गई काम अपना। पढ़ाई पढ़ोई अपनी? बीए सेकंड ईयर फिलहाल चल रही है। बीए सेकंड? हाँ भाई। कौन सी यूनिवर्सिटी था भाई? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र था। हाँ, बहुत बढ़िया भाई। कोई गेम गेम भी करे भाई? ना भाई, छोटा भाई करे गेम। तो बहुत बढ़िया भाई। तो अपने घर पर कितने पशु हैं भाई? भाई साहब 10-12 पशु हैं। 10-12 पशु हैं। सेल परचेज का काम है कि दूध का अपना भाई? दूध का भी है, सेल परचेज का भी है। कितना एक पशु सेल परचेज कर लो भाई महीने में? 10-15 भाई साहब। बहुत बढ़िया। आपके पिताजी काम संभाले का आप खुद संभालो भाई? दोनों भाई, दोनों पूरा सही हो गया भाई। हाँ। पिताजी के साथ मिलकर भाई साहिल काम कर रहे हैं। तो भाई के पास में जो आज पशु है बहुत शानदार है, अर्डर क्वालिटी बहुत बढ़िया, और एक दुधारू पशु आज की वीडियो में दिखाएंगे भाई। वीडियो बनवाने का भाई का मकसद है, एक अच्छा पशु तैयार किया है भाई, उसको आपको दिखाएंगे भाई। तो साहिल भाई, या जो अपने सामने जो पशुधन है भाई, इसके बारे में पूरी जानकारी दो भाई, कौन सा इसका ब्यात है? फर्स्ट टाइमर है भाई साहब। अच्छा भाई, अपना ये खुराकी चोटी है, फर्स्ट टाइमर है, क्या दांत है भैया? चार दांत है मुंह से। चार दांत है मुंह से, फर्स्ट टाइमर। कितने दिन की ब्याई होली भाई? ब्याई भाई साहब 14 दिन की हुई है। आज 14 दिन की ब्याई होगी। 16 तारीख ने ब्याई, 29 तारीख आज। आज 29 अगस्त 2021 को वीडियो कवर कर रहे हैं, और भाई 16 अगस्त का इसका ब्याह था। 16 अगस्त ने इसने बच्चा दिया था भाई। नीचे क्या है इसके काफ? लड़की। अच्छा भाई, इसके नीचे काफ क्या है? फीमेल काफ है भाई। फीमेल काफ है भाई। आज 16 का इसका ब्याह था, 12-13 दिन की ब्याई होगी भाई? 14 दिन की होगी भाई साहब, 29 तारीख होगी ना आज? आज 29 होगी, 14 दिन की ब्याई है। आज की डेट में कितना दूध इसके नीचे तैयार है भाई? आज की डेट में मौके पर 18 लीटर दूध तैयार है भाई साहब। 18 लीटर, 3 टाइम 4 टाइम आगे तो मिल्किंग करना चाहो कोई भी भाई। हाँ। और भाई अर्डर की जो क्वालिटी है वह बहुत लाजवाब है बिल्कुल। यो तो भाई साहब इसका वो हो रहा है, एक साइड में थोड़ी फर्क दिखा रही ना, जो भाई है गारंटी था भाई। गट की पालम तो बहुत ज्यादा थी, ये कम है, मतलब कि 2-3 दिन में कति सही हो जाएगी। जो थना का गैप है भाई बहुत ही शानदार है, एक दुधारू पशु की जो पहचान होती है। खुराकी झोटी के नीचे इतना दूध बहुत कम रेयर देखने को मिलता है। जो भाई पशु पर मेहनत करे है तब ही इतना दूध तैयार होता है भाई। अपने घर की ब्रीड है या खरीद के लाए हो? खरीद के लाए हैं भाई साहब। कब खरीद के लाए आप इसमें? या ब्याण तो 2 दिन पहले लाए थे भाई। कौन से गाँव से खरीदी भाई आपने? पापा ही लाए थे भाई साहब। तो इसकी उम्मीद भाई इतने दूध की थी कि भाई इतना दूध देगी? 18 लीटर दूध आज 14 दिन की ब्याई ने दे दी। जिसके पास शायद वो बता रहा था कि 22-23 लीटर की भैंस की कटड़ी आई है, लेकिन अच्छा, इसका मिल्क मदर मिल्क जो रिकॉर्ड है इसकी माँ ने लगभग 22-23 लीटर दूध दिया है। लीटर नहीं, 22 किलो। 22 किलो कांटे का, 648 ग्राम इसकी माँ ने दूध दिया। 22 किलो 648 ग्राम जिसकी भैया बेटी है, इसने 14 दिन की ब्याई ने फर्स्ट टाइमर ने 18 लीटर, हाँ 18 लीटर दूध तैयार कर लिया है। तो भाई इससे कितनी उम्मीद है भाई, क्या कितना दूध दे देगी? कम से कम भाई साहब 21 किलो, 21 के आसपास, 20 प्लस करेगी। तो फीड में क्या कुछ खिला रहे हो भाई इसने? बस फीड में भाई आम है, बनोड़ की खड़ खांडा छिलका चूरी चोकर, अपना नॉर्मल डाइट। नॉर्मल भाई जी इसने। हाँ। तो भाई कोई भी भाई सेल अगर आप इसने करना चाहो, इन्हें खरीदना चाहो है, क्योंकि पशु आपका बहुत बढ़िया है, रिंग सिंग है भाई, और चार दांत बताया भाई ने? हाँ मुँह से चार दांत है भाई, सब छठे तोड़ रही है, मुँह से चार दांत है छठे तोड़ रही है। और फीमेल काफ है इसकी, फीमेल चाहिए भी बहुत ही शानदार इस पर, फीमेल का बिल्कुल, फीमेल काफ भी इसी पे, इसकी माँ का है 22 किलो, 22 किलो 648 किलोग्राम, और भाई इसका भी लगभग 20 किलो दूध के आसपास उम्मीद। बल्ड लाइन जो है बहुत बढ़िया है, इसकी जो कट्टी है भाई या भी आगे चल कर इतनी शानदार दुधारू पशु बनेगी। तो अगर भाई कीमत कम है भाई, के कीमत मांगो इसकी? फिलहाल भाई सब कुछ नहीं है।
भैंसने एक साल होगी ब्याई ने इतक मैं दूध होगी नहीं दे रही बाबू छो मैं क्या हो रही हूँ आपने भी तो बेरा है क्या बात होगी ताऊ मेरे संगे बताऊं जीरी इस मैस ने खून पी लिया एक साल हो गया नया दूध नहीं होती इसकी दवाई दम है बता दो दवाई ई बिलाया ले ताऊ मेरे संगे यो न्यूट्री राइट खवा और फिर नए दूध ना होता मुन्ना बता आप भी अपनी गाय भैंस को न्यूट्री राइट खिलाएं और हर साल एक बच्चा पाए अपना मोबाइल नंबर बताओ भाई कोई भी भाई संपर्क करना चाहो तो आप 999-272-30-34 999-272-30-34 पट्टी कल्याण अपना गांव पट्टी कल्याण गांव तहसील समालखा जिला पानीपत जिला पानीपत है भाई साहिल रुगड़ा के नाम तब साहिल रुगड़ा साहिल रुगड़ा आपका सरनेम छोकर है सरनेम छोकर है वैसे मेरे को साहिल रुगड़ा के नाम तक अच्छा ये प्यार का नाम है हाँ भाई जुकर भाई कई गाँव में लाड प्यार का नाम अलग हो जिस तरह फेमस हो है हाँ, मैं अर्जोसली नाम गांव गुआड में जहाँ भी कोई जाना इस नाम से जाना रगड़ू के नाम से रुगड़ा रुगड़ा और देखिए भाई अपना बहुत बढ़िया ये खुराकी जोटी जो भाई के पास में अडर क्वालिटी बहुत शानदार है थना का गैप भी लाजवाब अडर की जो नशे आपको दिखाई दे रही हैं ये अपना एक दुधारू पशु की पहचान है आज 14 दिन की ब्याई के नीचे 18 लीटर दूध तैयार है मदर मिल्क भी बहुत ही अच्छा है इसका उसके बारे में भी साहिल भाई ने बता दी है फोन के माध्यम से आप भाई से संपर्क कर सकते हैं नंबर भाई का बता दिया है जो भी भाई इसने खरीदना चाहे भाई कह रहा है भाई मैं मौके पर कीमत बताऊंगा क्योंकि अपनी उम्मीद है लगभग 20 लीटर दूध या तैयार करेगी उस मौके पर ही हम इसकी कीमत बताएंगे तो भाई आज का भी बहुत ही शानदार पशु आपको दिखाया है गांव पट्टी कल्याणा से जिस गांव में हमने वीडियो कवर करी थी मंगलू राम जी की जिनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया पशु थे अरिया भाई इसकी कटड़ी है आगे जा गई है लगभग 20-22 किलो दूध की जो उम्मीद है इतना जरूर इसका भी जो फ्यूचर की हम उम्मीद लगा सकते हैं क्योंकि जो आज हमारे पास में 18 लीटर दूध दे रही है इसकी माँ ने भी 22 किलो 448 ग्राम दूध कट्टे के तो लगा दिया है साहिल भाई ने बताई और ये उसी की कट्टी है भाई बहुत ही आज 14 दिन इसकी उम्र है 14 दिन की ये हो चुकी है और भाई इसकी माँ भी लगभग 20 किलो दूध के आसपास जरूर निकाल लेगी तो भाई ऐसे ही बढ़िया बढ़िया पशु आपको दिखाते रहेंगे तो पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और भाई वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं भाई आपको आज का जो पशुधन है वो कैसा लगा तो भाई राम राम सारे भैया ने जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान जय गौ माता की जय राम जी की भाई।